आम आदमी पार्टी की पोल कोर्ट में खुलती जा रही है। केजरीवाल के कट्टर ईमानदार नेता को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल के खास दोस्त मनीष सिसोदिया, जो कथित रूप से सरजी के जबान में दिल्ली के शिक्षा क्रांति के पुरोधा थे, ये बात कोर्ट मानने को तैयार ही नहीं हो रही है कि जी आपके मित्र और आपकी सरकार में दो नंबर के साथी कट्टर ईमानदार नेता है, इसीलिए शायद नंबर दो साहब की मुसीबत कम होने का नाम ही नहीं ले रही। और सरजी केजरीवाल साहब को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें, मुसीबत बड़ी है लेकिन समाधान नजर ही नहीं आ रहा। आज फिर से सिसोदिया साहब जेल पहुंचे और उम्मीद भरी नजरों से जज साहब की ओर देख रहे थे, लेकिन न्यायालय ने आज भी उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और कहा कि अभी और जेल की रोटी खानी पड़ेगी। क्या है खबर आपको बताते हैं। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ लगे हुए आरोप काफी गंभीर हैं। वहीं अब पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला कथित शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई के केस में सुनाया है। दरअसल आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सिसोदिया की याचिका को खारिज करते हुए सबूतों पर चिंता जाहिर की। अदालत ने कहा कि मनीष सिसोदिया का इस मामले में व्यवहार ठीक नहीं, वह सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं। दरअसल मनीष सिसोदिया शराब घोटाले मामले में आरोपी हैं, जो फरवरी महीने से जेल में बंद हैं। जस्टिस दिनेश शर्मा ने सिसोदिया की याचिका को ठुकराते हुए कहा कि वो प्रभावशाली स्थिति में है और इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। वहीं पिछली सुनवाई में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की जमानत देने की वाली याचिका का विरोध किया था, जिसके बाद अदालत ने 11 मई को इस मामले में फैसले को सुरक्षित रख लिया था। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।